हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और हस्बैंड भी ठीक है, घर के सारे परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। और अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 4:45 और मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। पहले तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज एकदम बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी पड़ रही है। यहाँ पर बहुत बादल छाए हुए हैं और एकादुकी करके बूंदे पड़ रही हैं। ये देखिए बूंदे पड़ रही हैं, देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं छत पे आके बैठी हूँ, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, तो क्या वो अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के थोड़ी देर के लिए। मैं बस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मैं आके बैठ गई। और ये देखिए, एक फॉरेन से लड़की आई है, फॉरेनर लड़की बिल्कुल, है ना? क्या नाम है नीशु? जानवी। ये मेरी भतीजी नीशु की बहन है, मतलब मेरी बहन है ना। हाँ तो गिर जाएगी, उतार लो बेटा, उतार लो। और यहाँ सचिन महाराज खड़े हैं, करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक सवाल रहता है जिसका जवाब दे दे के मैं थक चुकी हूँ। थक क्या, मैं पक चुकी हूँ। बताती हूँ आप लोगों को क्या सवाल है, क्या जवाब देना है। तो फ्रेंड्स, हर लोगों का जो एक सवाल है उसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर पहले दूंगी। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छत से नीचे अभी अपने कमरे में क्यों आ गई, तो क्या है कि बूंदाबांदी ज़्यादा होने लगी और कैमरे पे पानी पड़ने लगा फ़ोन पे, तो इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा। मैं कहा शांति से इस टॉपिक पे बात करूँ, और ऊपर बच्चे हैं तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, मेरे बाल भी भीग गए देखिए। तो फ्रेंड्स, कमिंग टू द पॉइंट, एक कॉल आ गया, सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था। तो आती हूँ मुद्दे पे कि आप लोगों का मतलब जिन लोगों को शायद पता है वो भी फिर दोबारा पूछते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता खैर वो तो पूछते ही हैं, वो ये है कि आप कैसे जल गई या आपके साथ क्या हादसा हो गया। और अभी हमारे मेरे हस्बैंड के बारे में भी पूछते हैं कि आप दोनों के साथ क्या हादसा हो गया। तो इस टॉपिक पे मैंने अपने पुराने वाले चैनल मुनिया बसु 111 पे भी वीडियो बना रखा है और कई बार लाइव आके मैंने इसका जवाब भी दिया है। तो एक पर्टिकुलर सवाल को बार बार पूछा जाता है ना, तो थोड़ा सा ना एम्बेरसिंग हो जाता है। और वैसे अभी मेरे न्यू चैनल पे काफ़ी लोग नहीं जानते, तो पूछ रहे हैं, तो उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है और उनका जानना उनका हक है, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ। कहानी बहुत लंबी है पर इन शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। अगर पूरी डिटेल्स जाननी है तो मुनिया बसु 111 पे जाके मेरी लाइफ स्टोरी देखिए, वहाँ आपको पता लग जाएगा। तो शॉर्ट में ये है कि मैं 13 दिन की बच्ची थी जब मेरा जन्म हुआ। जन्म के 13 दिन बाद मुझे मालिश करके सुला दिया गया था, और उस दौरान लाइट नहीं थी और मिट्टी के तेल का दिया थोड़े डिस्टेंस पे जला के रखा था अंधेरे को दूर करने के लिए। और मेरी मम्मी उस वक्त प्रेजेंट नहीं थी, वो बाथरूम में गई थी, मेरी मामी को कह के गई थी कि आप बच्ची को ज़रा देखिएगा, मैं भी बाथरूम से होके आती हूँ। बट एट द टाइम सडनली मामी को भी कोई काम आ गया, तो वो अंदर किचन से उठ के अंदर अपने रूम में किसी काम से चली गई। तो उन्हीं का जो बेटा था, 1.5 साल का बेटा, जो मेरे बड़े भैया, मेरे भैया वो भी 1.5 साल के बच्चे थे, उन्हें भी कुछ नहीं पता। वो मुझे रेगुलरली देखने आते थे, प्यार करने आते थे। तो उस दिन जब वो आए मुझे देखने के लिए, जब मुझे देखने आए और मैं उनको नहीं दिखी, अंधेरे में मेरा चेहरा नहीं दिखा, तो उन्होंने वो मिट्टी के तेल का दिया उठा लिया और चलते चलते मतलब गिरते गिराते वो मेरे पास आए, और उनके हाथ से वो दिया फिसल के गिर गया, मेरे ऊपर ही गिर गया। और उसी से मेरी ये हालत हो गई, मैं जल गई। और मेरा हाथ जो है, राइट हैंड, वो 80% बर्न हो गया था, जल गया था।
पर डॉक्टरों की कुछ लापरवाही ऐसी थी कि डॉक्टरों ने उस हाथ को बैंडेड कर दिया था, जबकि बैंडेड नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बैंडेड कर दिया था। और बैंडेड को वो चेंज भी नहीं करते थे, ड्रेसिंग भी नहीं करते, साफ़ सफाई भी नहीं करते थे, तो 15 दिन तक वो बैंडेड ऐसे ही बंधा रहा। और पर उस बैंडेड के कारण अंदर इन्फेक्शन हो गया, सड़ के गल के वो कोहनी के नीचे से, मतलब ये जो कोहनी है इसके नीचे से टूट के अपने आप गल के मेरी मासी के या मेरी माँ की गोद में ऐसा ही कुछ था गिर गया, इतने दूर का पोर्शन गिर गया। तो तब से मेरा राइट हैंड भी नहीं है। यही मेरी कहानी है। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही 10-11 साल के थे, तो वो भी आग सेक रहे थे। सर्दियों का दिन था और ऐसे ही कुछ लुंगी या गमछा वगैरह मेरी माँ जी ने, मेरी सास ने उन्हें अच्छे से मफलर के हिसाब से बांध के दे दिया था। वो आग सेक रहे थे, पता नहीं कब वो आग उस बंधे हुए कपड़े में लग गई और लगने के कारण वो पूरे यहाँ से यहाँ तक उनका जल गया, हाथ तो वगैरह सब। तो सेम कंडीशन उनके साथ भी हुआ। तो यही हमारी छोटी सी कहानी है। काफ़ी लोग, हम जब ट्रेवल भी करते हैं तो बाहर आते हैं जाते हैं, तो लोग भी पूछते हैं, तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता। कई कई बार तो मैंने ऐसे कमेंट्स सुने हैं जब वो हमसे पूछते हैं कि भैया आप लोगों के साथ क्या हुआ था, हम जब उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो कहते हैं, तो मैंने कई बार सुना है वो कहते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मियाँ बीवी ने आपस में लड़ाई की होगी और आग लगा लिया होगा, तो इसीलिए दोनों की हालत ऐसी हो गई है। जबकि ऐसा नहीं है भाई, इंसान किसी को हम सच भी बताए तो भी विश्वास नहीं करते। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए। जो हो गया, हमें इस बात का गम नहीं है, ना मेरे पति को गम है, ना मुझे गम है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, जो है जितना है उसमें अगर आप संतुष्ट रहना सीख जाएंगे, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमें दुनिया से, ज़िंदगी से, भगवान से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि भगवान ने हमसे कुछ लिया है ना, तो हमें बहुत कुछ दिया भी है। आज तक हमें, मुझे स्पेशली मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी हैं। तो यही एक छोटी सी कहानी है, मतलब छोटी सी कहानी तो है नहीं, खैर कहानी बहुत लंबी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बता दिया है। और पूरी जानकारी चाहिए तो मुनिया बासपुर 111 पे जाइए, विजिट कीजिए, और वहाँ पे मेरी लाइव स्टोरी पड़ी हुई है, वहाँ जाके देखिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है। और ये वीडियो मैं हस्बैंड के साथ ही बनाने वाली थी, पर हस्बैंड अपने काम पे लगे हुए हैं, दुकानदारी में लगे हुए हैं, घर पे कोई है नहीं, क्योंकि शादी का माहौल है। हमारे खानदान में से किसी मतलब मेरी जेठानी की लड़की की शादी है, कल से हल्दी लगनी शुरू हुई है, तो वहाँ भी बहुत हमारे घर के परिवार के सदस्य सब वहाँ बिजी हैं शादी के घर में, और हस्बैंड दुकानदारी में लगे हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस वीडियो को बना लूँ। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।